इसका थर्ड नंबर देखिए, फंक्शन एफ है जेड टू जेड और कैर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से परिभाषित है, तो आपको चेक करना है 1 1 2 के बारे में। तो लेट एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इसके डोमेन में। अच्छा यहाँ आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर और यहाँ पे एक्स टू का स्क्वायर, जेड यानी इंटीजर है, पॉजिटिव निगेटिव सब होगा, तो स्क्वायर उधर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस लगेगा ना, प्लस माइनस एक्स टू। देयरफॉर एफ इज नॉट, सॉरी एफ इज नॉट नॉट इंजेक्टिव, या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, यानी 1 1 नहीं है। चलिए लेट वाई बराबर एफ एक्स अनटू के लिए चेक कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा रूट अंडर वाई, तो रूट अंडर वाई हमेशा रियल हमेशा इंटीजर ही नहीं आएगा, कब हमेशा इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, बहुत सारा रीजन है, जब वाई का वैल्यू बहुत सारा रीजन है, अगर मान लीजिए कोई निगेटिव इंटीजर भी रख देंगे ना तब भी इसका ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, वो तो कम वो क्या हो जाएगा आपका इमेजनरी नंबर हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर कोई रख देंगे तब, या बहुत सारा रीजन है, क्या लिख देते हैं वेल बहुत सारा रीजन है, आप 2 रख दो 3 रख दो ये सब रखोगे तब भी नहीं होगा, मतलब एक भी काफी है यहाँ पे लिखना। चलिए तो देख रहे हैं कि इसका प्री इमेज इसमें नहीं मिल पाएगा, है ना, निगेटिव इंटीजर्स का प्री इमेज इसमें नहीं मिल पाएगा, देयरफॉर एफ इज नॉट नॉट सर्जेक्टिव, एफ जो है फंक्शन एफ वो सर्जेक्टिव नहीं है, यानी कि ना तो एक एकी है और ना ही अच्छादक है, समझ गए, ना ही इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर